टू द टू ऑफ यू. अच्छा है ऐसे मुलाकात हो गई, बट आई लाइक द प्रेमाइस जो आपका किताब का है, मुंबई लोकल, बिकॉज वो ट्रेन जर्नीज में जो रोमांटिसिज्म है ना, वो और किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं आता. कि आप भी खिड़की से देख रहे हैं घर, यू नो यू आर क्रॉसिंग शांति टाउन्स एंड लोगों के घर, वंडरिंग अंदर क्या हो रहा है. सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस, व्हाट वर योर ऑब्जर्वेशंस जब आपने ये लिखना शुरू किया? ये बेसिकली थोड़ा सा मैं ये करूं कि ये ऑडियो स्टोरीज हैं जो हाँ, ऑडियोबल ऑडियो पे हैं. स्टोरीज. जी 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 ऑडियोबल पे हैं, हाँ तो इसकी शुरुआत जो है वो एक लिखने से हुई थी. और जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम चले जाते हैं और हमको खुद मंजिल का पता नहीं होता अपना, तो जी मैं जी बोर्ड कर गया. जो मतलब लोकल की एक ऐसी दुनिया जो एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें हर व्यक्ति एक कहानी है अपने आप में, ठीक जी है. तो मैं एक्सीडेंटली, मतलब 7-8 साल पुरानी कोई बात है, जब मैं पहली बार लोकल में जब बोर्ड किया, मैंने बहुत डरते हुए, जो मतलब जी मैं जी कैसे दब जाऊंगा, मुझे तो आदत जी नहीं है ट्रेवल करने की. तो जी वहां से जो कैरेक्टर्स से मेरा जो रास्ता हुआ, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक जर्नी मेरी शुरू हो गई. और मैंने फॉलो करना शुरू किया कैरेक्टर्स को, क्योंकि जी हर हर आदमी एक कहानी लेके चल रहा है अपने अपने वहां पे. एक छोटी सी बच्ची, मैं आपको बताऊं, कि ट्रेन में आती है और वो भीख मांगने के लिए आती है, और एक लैपटॉप पर एक आदमी काम कर रहा होता है. वो रुक जाती है, अंकल ये क्या है? अच्छा ये टीवी है. नहीं बेटा ये लैपटॉप है. अच्छा कैसे चलता है? उसने मांगना छोड़ के 3 मिनट तक वो लैपटॉप ही देखती रही. वो उतर के चले गई. तो कहानियां बनती हैं, कहानियां जो है रुक जाती हैं, कुछ कहानियां जो किस्तों में चलती हैं, धारावाहिक की तरह चलते हैं. जो मतलब तो ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें मुझे लगता है कि लोकल की कहानियों को समझने के लिए एक जीवन कम है. तो ये कहानियां जो है मैं लिखता चला गया और चलता चला गया. उसके बाद इसका टर्निंग पॉइंट तब आया उस प्रोजेक्ट का, जब मैंने इनको कोई 2-3 साल पहले डीपी को ये कहानियां पढ़ने के लिए दी. क्यों? मैंने कहा कि 2-3 किताबें मेरी पहले से पाइपलाइन में हैं, किताबों की संख्या बढ़ाने का मेरा कोई मकसद है नहीं, करूंगा क्या मैं इसका. तो इन्होंने जब कहानियां पढ़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत अलग यूनिवर्स की कहानी है, और सिर्फ इसको कन्फाइंड करना एक बुक तक, ये थोड़ा मुझे लगता है नाइंसाफी होगी. तो जी हमने कहा क्या करें, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया. और जवाब अब ये है कि 3 साल बाद वो ऑडियोबल के प्लेटफॉर्म पे. तो awesome. बताइए दिव्य प्रकाश जी, आप. मैं इस प्रोजेक्ट में, मैं एक्चुअली ना राकेश जी का फैन हूँ शुरू से ही, है ना. जो जी वो लिखते हैं, जो वो करते हैं, जो वो सटायर करते हैं, क्योंकि हम लोग, मैं ईस्टर्न यूपी से आता हूँ और बहुत सारे शहरों, मेरा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर ब्यूरोक्रेट थे. तो एक ना हम लोग, मैं हमेशा जैसे मैं जिस भी शहर जाता था तो तुरंत दोस्ती करनी पड़ती थी. मैं पता चला अगस्त में फादर का ट्रांसफर हुआ है और सितंबर में पेपर है ना, और मैं अगस्त में, 15 अगस्त को हम पहुंचे और 15 दिन में तैयार करके पेपर देना है. तो एक 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 जो हम, मेरी जो आदत थी ना तुरंत दोस्ती कर लेने की, जी वो लोकल से बहुत सिमिलर था. जैसे लोकल जी में आप जैसे चढ़ते हो ना, और जिसने आपको हाथ से खींचा होता है, एक आपकी दोस्ती हो जाती है उससे, एक एक कंफर्ट वहीं पे. जैसे जो मेरा 10 साल पहले, जब मैं पहले, उससे भी पहले जब लोकल में पहली बार बैठा था, तो वहां पे आपको खड़े होने की जगह नहीं है, लेकिन उतने में टेढ़े मेढ़े होके एक आदमी आपको योगा कम डांस क्लास भी भेज जाएगा, है ना. तो वो जो पूरी दुनिया खुलती थी. या फिर जैसे एक बहुत पहले मैंने वो एक जो लेडीज कंपार्टमेंट को लेके जो मिस्ट्री है, और एक आध बार तो लिटरली जब मैं 2008 में चढ़ा करता था, मतलब प्रॉपर जब लोकल से जाता था अपने समर ट्रेनिंग जहाँ कर रहा था, तो मुझे शुरू में पता नहीं था, गलती से वो लेडीज कंपार्टमेंट को पकड़ लिया और एक हाथ ऐसे घूम के आया, और मैंने मतलब ऐसे स्लो मोशन में अपना मुंह हटाया, मतलब मेरे को वो लगा था. तो वो एक लोकल को लेके एक मिस्ट्री थी मेरे को. और राकेश जी का से जब मेरी बात हुई, क्योंकि जैसे राकेश जी ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जो वो करते थे वो बहुत अलग चीजें करते हैं. मैं जैसी कहानियां सुनाता हूँ बिल्कुल अलग था. तो एक तरीके से आप सोच लीजिए कि दो लोग, एक को एकदम से झटके से झटका देके कहीं बैठा दिया गया, और अब उन्हें खुद एक जर्नी डिस्कवर करनी थी. ये जी पूरा प्रोजेक्ट वैसा था, क्योंकि लोकल को लेकर एक हिस्ट्री है. एक है कि अरे हम तो नहीं चढ़ेंगे, जैसे आप कई लोगों को बॉम्बे मिलते हो ना, तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं लोकल से कौन जाएगा. दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जैसे मुंबई लोग इस मामले में बहुत यूनिक है, कि अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख, 2 लाख है, 1 लाख है, इतना आप कमाते हो साल भर में, और वर्सेस आप महीने में 5 लाख कमाते हो, ऐसे भी लोग लोकल से चलते हैं, है ना. वो यहाँ पे मिडिल क्लास बहुत फैला हुआ है ना, आप तो बॉम्बे में रहे भी हो, तो वो इतने रंग है वहाँ पे. तो हमें लगा कि यार ये तो कहानियों को किताबों तक वो रख के इसको और बड़ा करते हैं, और बड़ा करने की प्रोसेस में फिर दिल लोकल बना. और दिल लोकल में हमारा जो वन लाइन प्रिमाइस भी था कि हर आदमी अपने आप में एक किताब है, और इस जी लिहाज से मुंबई लोकल इस दुनिया की सबसे बड़ी चलती फिरती लाइब्रेरी है. आई यही एक लाइन सो का थॉट बेचा गया और ऑडिबल ने खरीद लिया, दिस और इज हम लोग ऑसम. फिर दिस ट्रेन में सवार थे.
आपने सही बोला, जैसे दोस्ती करनी पड़ती थी, बिकॉज आई कैन रेजोनेट विद दैट, बिकॉज ट्रांसफरेबल जॉब मेरे फादर की भी थी. सो आपको स्कूल में एकदम लोगों के साथ दोस्ती करना, एंड फॉर दैट मैटर ट्रेन जर्नी जब होती थी, जी किसी ने जी सीट दे दी सामने वाले जी कंपार्टमेंट में, पीपल आर प्लेइंग शेयरिंग लंच, तो दोस्ती हो जाती थी. आजकल वो माहौल है नहीं, बट जी देयर इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दीज स्टोरीज. जी बट आपने जैसे कहा ऑडिबल, आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ, एक वो रोमांटिसिज्म नहीं होता है, किताब को खरीदो, जी पन्ने उसके, यू टर्न द पेजेस एंड नाउ लिसनिंग. जी आप दोनों को वैसे बेसिकली व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? राकेश जी, ये बताएंगे डीपी, आप बताइए। अच्छा आपने बॉल मेरे पाले में दे दी। नहीं देखिए, किताब मेरी तो खैर अभी पिछले अगस्त में 5वीं किताब भी आई, वो किताब को लेके एक रोमांटिसिज्म है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो कभी नहीं जाएगा। इस दुनिया चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, किताबें कभी खत्म नहीं होंगी। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, क्योंकि किताब में आप बहुत 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। जब आदमी अकेले जब बात करता है ना, तो आप उसको आत्मा से पकड़ सकते हैं उसकी, है ना। लेकिन ये जो जैसे ना ऑडियो जो मीडियम आता है ना, जैसे आप किसी को जब कहानी सुना रहे हो, जैसे मैं अभी बोलता हूँ ना, जैसे आप किसी दोस्त को मिलो और उसको 10 साल बाद आपको कोई दोस्त मिला, और जब आप उसको बताते हो ना कि अरे यार मेरे साथ ना पिछले 10 साल में कोई आपका स्कूल का कोई भूला बिसरा दोस्त है, कोई पहली नौकरी का दोस्त है, अबे यार ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो आप वो कितना भी जो आपके साथ हुआ है ना, वो एक्सपीरियंस आप किताब में नहीं डाल पाओगे। वो आप बैठ के जो सामने चाय किसे लेते हुए, चाय या वाय जो भी आप पीते हो, तो वो लेते हुए जब आप उसको बताओगे ना, वो चीजें वैसे ही ट्रांसलेट होती है। ये देखिए, ये दोनों ऐसा नहीं है कि ऑडियो आ गई तो किताबें नहीं बिकेंगी, किताब है तो ऑडियो कम, ये बहुत पैरेलल यूनिवर्स है दोनों, ये हमेशा चलता रहेगा आपस में एक दूसरे से। जैसे रेडियो जब था तो लोग बोलते थे टीवी आएगा तो कोई रेडियो नहीं सुनेगा, फिर टीवी आया तो लोग बोले अरे फिल्म आ, जब वो अरे जब हॉल से जब टीवी आएगा तो फिर कोई टीवी ये फिल्म में नहीं जाएगा, वो सब कोएग्जिस्ट करते रहेंगे और अपने आप। लेकिन कुछ कहानियों का ना जैसे क्या होता है, टेस्ट वो होता है कि कुछ गाने जैसे ना गिटार पे ही अच्छे लगते हैं, उसको सितार पे नहीं बजा सकते, तो इन कहानियों का टेस्ट वो था, इसलिए हमने ये फैसला लिया कि इनको ऑडिबल के प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। राकेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ, और होता ये है कि कहानी तो कहानी है, मतलब प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, तो ऑडियो एक नया प्लेटफॉर्म है जो असल में बेसिक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऑडियो जब कुछ नहीं होता था तब दादी नानी की कहानियाँ होती थी, तब भी ऑडियो ही होता था, तो अब वो वापस आया है नई टेक्नोलॉजी के साथ, अब वापस आया है, तो क्योंकि वो उसका एक दायरा बढ़ा, क्योंकि खासकर दायरा इसलिए बढ़ा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने ये देखा है, जो हिंदी समझते हैं तो वह बहुत अच्छी तरह से हैं, पढ़ने में उनको थोड़ी कठिनाई है, देवनागरी, तो इसलिए अगर वो सुनते हैं तो उसका वो कंटेंट वो है कि वो सीधे उनके दिल तक उतरता है, तो ये एक एक उसका जो है एक मतलब फायदा है आप कह सकते हैं। बाकी मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि किताबों को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता कुछ, किताब की तासीर ही अलग होती है, जब हाथ में आप लेते हो पकड़ते हैं उसको, मतलब तो वो फीलिंग अलग होती है बिल्कुल। आखिरकार दोनों से ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने दिल लोकल लिखा है, आपका सबसे फेवरेट वैसे टाइम पास क्या होता है जब लोकल ट्रेन में होते हैं? जैसे मेरा है टू ऑब्जर्व पीपल आउट ऑफ द विंडो, जी कि और सोचना दिमाग में इस घर में क्या हो रहा होगा, ये इंसान क्या सोच रहा होगा, खेत जब व्हेन यू क्रॉस देम, ये फार्मर कितने बजे उठा होगा। आप दोनों का ऐसा कौन सा खुअक है जब आप ट्रेन में होते देखिए, आपने तो मुझे ये लगता कि मैं आगे कुछ बोलूं तो वक्त की बर्बादी होगी, क्योंकि हैं? मेरे दिल की बात कह दी आपने बिल्कुल लेकिन फिर भी चलिए इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उससे थोड़ा सा आगे ये हुआ कि मैंने जो पर्सनल जो मेरा सबसे बड़ा गेन ऐसा रहा है ये कि मैंने कैरेक्टर्स को फॉलो किया, पीछा किया उनका, मतलब कई बार जासूसी की उनसे, कई बार उनकी वाह, दोस्ती, हाँ रिश्ते रिश्ते जोड़े। जैसे मैं एक कहानी में बताऊं, जो कई कहानियां हैं जो लोगों को बहुत पसंद है, देखिए ये एक तो ये है कि लोकल की ये कुछ दुनिया उसके आसपास की, मैं थोड़े पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ। सर एक ऊपर करना पड़ेगा, छोटा देख नहीं रहा भाई हूं जो मैं। है बड़े छोटे जी भाई से स्पाइक बनवा रहा है, बड़ा भाई जो वो ट्रेन में जाने से पहले, ये अब देखिए ये जो है ये एक पिक्चर है, शायद आप देख पा रही हैं नहीं देख पा रही हैं, क्लियर नहीं है सर, लाइक हाँ ये पॉलिश वाले हैं, इनकी कहानियां हैं जो मतलब, लेकिन जो एक कहानी जो मुझे बहुत ज्यादा टच करती है, उसका नाम है विमला ताई का बेटा। तो वो कहानी है कैसे औरत की जो दादर फूल मंडी में फूल बेचती है, और उसकी टोकरी में एक छोटा सा पप्पी बैठा होगा, कुत्ते का बच्चा है पिल्ला, ठीक है। लोग कहते हैं अरे इसको हटाओ यहाँ पे, फूल कौन लेगा तुमसे, वो बोलते हैं ये आपको लेना है तो लो, मत लेना है तो नहीं लेना है तो मत लो, ये नहीं हटेगा, ये तो मेरा बेटा है।
तो ये है उसका बेटा, विमलता का ये बेटा है देखिए जो है, ठीक है। ओ तो अब 1.5 साल का जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है उसमें देखिए अब क्या है कि वो बच्चा जो है कुत्ते का, वो गाड़ी के नीचे आ गया एक दिन। अब क्या है, सौरभ की जो है इमोशनल जो जर्नी रही होगी, क्या ट्रोमा रहा होगा, उसने आना बंद कर दिया। फिर वो आती है 1 महीने के बाद, तो एक और छोटा सा बच्चा पप्पे, और ये बोलती है मैं इसको अब मैं घर में रखेगी, ऐसी गलती नहीं करेगी दोबारा। तो हमारा जीवन चलता रहेगा, तो जी ये जी मैसेज है उसमें। जी जी और आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे ओवरऑल ये कहानियां, मतलब जैसे ना मैं इसको पूरे प्रोजेक्ट को ना बहुत मैंने ना इमोशनल जर्नी की तरीके से देखा है कि मैं खुद नानी या दादी होता तो अपने बच्चों को बताता कि ये दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। जैसे हम लोग क्या ना मेन स्ट्रीम जो भी कंटेंट बन रहा है ना उसमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, इतनी हाई फाई चीजें हो रही हैं कि बहुत बेसिक ऑर्डिनरी बातों की जगह होती जा रही जी है ना। तो मुझे लगता है कि जो ऑर्डिनरीनेस को जो सेलिब्रेट हमने किया इन कहानियों में, और जहाँ पे अक्रॉस क्लासेस, अक्रॉस एज, अक्रॉस कंपार्टमेंट, और जिस तरीके से जैसे मेरी जो पर्सनल फेवरेट कहानी है गुप्ता जी की प्रतिज्ञा है, और मतलब मैं रिकॉर्ड करते करते एकदम से ना आखिरी सेगमेंट में लगा रोने, मेरे घर पे लोग घबरा गए क्या हो गया इसको। तो वो जैसे वो इतनी ऑर्डिनरी, जैसे हर मिडिल क्लास आदमी कितने सारे बर्डन के साथ जीता है, चाहे ना चाहे अपनी बीवी को कोई डांट देता है और बड़ी बात लेके बैठे रहते हैं लोग, उसमें जो रिडम्पशन है जब आप सुनोगे वो कहानी, मैं कहानी खोलूंगा नहीं, वो जो रिडम्पशन है ना वो हर हिंदुस्तान के मिडिल क्लास आदमी का रिडम्पशन है जो उसका है। तो वो मेरे को बहुत इमोशनल जर्नी रही, और आई एम श्योर कि लोगों तक वो जिस इमोशन से हम लोगों ने उसको बनाया वो पहुंचे, जिस इमोशन से वो राकेश जी की कहानी को उस तरीके से बोल के, मतलब मैं ऐसे भी देखता हूँ जैसे आपको जब कोई घाव हो जाता है और जब चोट सही होती है ना तो आपको खुद ही वो खुरचने में मजा आता है ना। तो आपको घाव है ये पता कई बार बाद में चलता है जब वो सही हो चुका होता है उसके, और उसमें मजा आता है, वो जो मीठा दर्द होता रहता है जो आपको खुद के बारे में बताता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो क्रॉस इस पूरे प्रोजेक्ट से। आई नो राइटर्स से उनकी किताबें बहुत फेवरेट होती हैं सबके पास, बट एक ऐसी कौन सी किताब है जो आपकी हमेशा पसंदीदा रहेगी अबव ऑल आप दोनों से, एक ऐसी किताब? मेरी कई किताबें हैं, ये बड़ा मुश्किल चयन होगा, लेकिन अगर आप मुझे अगर पूछेंगे तो राइटर्स के तौर पे चेखव और ओ हेनरी, ठीक है। यस और अगर इसमें बात करें तो फिर मुझे रेणु के जो दो उपन्यास हैं, प्रति परिकथा और मैलाचल, जो आप लगता है कि जैसे पेंटिंग हो मतलब, लेकिन फिर अगेन मैं ये कहूँ कि अब मंटो को मैं कैसे छोड़ दूँ जो मेरे फेवरेट राइटर्स में है, जो मतलब जी प्रेमचंद का उतना बड़ा रचना संसार है तो मैं कैसे छोड़ दूँ मतलब। और बहुत सारी ऐसी कहानियां जो कि जो कहानियां क्या होता है ना कि वन लाइनर होते हैं, कहानियां हमारे आसपास बदलती रहते हैं, बनती रहते हैं। हम काफी, मैं और डीपी अक्सर बातें करते हैं। मैंने ये ऐसे टीचर्स डे पे फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा था कि मेरे गुरु कौन लोग हैं, तो उसका ये था कि जो लोग सबसे अच्छी तरह से अपना काम करते हैं वो गुरु हैं। तो एक नीचे जो हमारे, जो मैं दिल्ली में जब था तो हमारे ऑफिस के बाहर एक ऐसे आदमी थे जो सर्दियों में गाजर का हलवा और गाजर का हलवा और गुलाब जामुन, गर्मियों में नारियल पानी, और बरसात में वो छल्ले मूंगफली, ये वो उसके मकई, वो बेचते थे। और वो कहते थे हर महीने में, हर 3 महीने में आदमी को धंधा बदलते रहना चाहिए, नहीं तो आदमी जो है किसी काम का नहीं रहता, बाजार से बाहर हो जाता। अब देखिए एक आदमी उसने उतने छोटे लेवल का, और वो ऐसा ज्ञान दे रहा है जो मैनेजमेंट गुरु देते हैं। तो जीवन में जो कहानियां हमारे चारों तरफ बन रही हैं कहानियां, जो मतलब, तो मैं उन कहानियों को भी बहुत देखता हूँ उसके अलावा। जी। तो मेरी जो एक किताब, ये सवाल एक्चुअली ना ऐसे है कि जैसे अगर आपके घर में आग लगी है और आप एक ही किताब लेके भाग सकते हो तो कौन सी किताब होगी? तो जी वही ये किताब के बारे में एक एक एक, एक, एक मेरी बड़ी फेवरेट किताब है, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा ने लिखी थी। मुझे भी। हाँ, तो वो हाँ मुझे लगता है कि वो पहली किताब थी जो मैंने, एक स्मॉल टाउन लड़की की बॉम्बे आके हीरोइन बनने की कहानी थी, और तब मैं उसी शहर का था इंसिडेंटली, वो शाहजहांपुर की जहाँ की वो कहानी थी, मैंने बाद अच्छा में मुझे पता चला, मैंने इतना ज्यादा उस कहानी से मैं मुतासर हुआ कि उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर बाकी लोग तो आते गए आते गए आते गए, लेकिन अगर वो पहली किताब, वही होता है ना कि अगर पहला कदम ना होता तो फिर दूसरा नहीं होता, और दूसरा नहीं होता तो तीसरा नहीं होता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहला कदम होता। वो मुझे चांद चाहिए, मुझे लगता है किसी को भी जो हिंदी पढ़ना शुरू करना चाहता है उसको पढ़नी चाहिए। नहीं, थैंक वो यू। मेरे भी फेवरेट किताब है। इनकी बात थोड़ा एक लाइटर नोट पे खत्म कर दूं कि ये किताब लेके भागेंगे मैं भाग नहीं पाऊंगा,
और मेरी किताबें जलेंगी तो मैं भी जल जाऊंगा साथ ओह लाइट आर नॉट यही आई नो पीपल हु राइट एंड लव बुक्स उनका यही रहता है बुक्स आर देयर प्राइम बट थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू द लोकल थैंक यू सो मच थैंक यू